हेलो गाइस, आवाज आ रही है सबको? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑलिवबोर्ड लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? भाई जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। चलिए, तो देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग का थोड़ा सा चैनल चेंज है ना, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। तो आज की जो हम लोग की क्लास थी वही क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। तो भाई सबसे पहले तो भाई नया चैनल है, सबसे पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोग तैयार? तो देखो बेटा, पहले मैं इंफॉर्मेशन दे दूं बेटा, आरबीआई असिस्टेंट का जो बैच हमारा लाइव हो चुका है। जो प्री और मेंस का करना चाहते हैं, अभी भी बच्चे इनरोल नहीं किए हैं, जो उनके लिए एकदम बहुत ही प्यारा मौका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है कि आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। 2999 यानी 3000 का है, बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज विवेक, तो आपको 45% डिस्काउंट मिलने के बाद ये 1649 ओनली 1649 का आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो फायदे का सौदा है, जरूर लें। साथ ही साथ अगर हम देखें कुछ चीजें और प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कंप्लीट लाइव क्लासेस वाला कोर्स ले सकते हो कि आपको सिर्फ लाइव क्लास देखनी है, टेस्ट नहीं देखना है। तो उसके लिए आपके पास 2 कोर्स है, 6 मंथ और 12 मंथ्स के लिए। इसमें 20% ऑफ है, लेकिन आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 25% मिलेगा और सिर्फ 1873 कोड याद रखिए विवेक। यूडीसी का भी कोर्स चल रहा है, अगर आप 2500 का नहीं लेना चाहते हैं तो 1374 में ले लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है कोड क्या होना चाहिए, विवेक। क्लर्क का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको नहीं लेना चाहते तो 2199 में ले लीजिए, आपको कोड क्या यूज करना है, विवेक। तो ये नाम जो है ना VIVE के, ये आप याद रखिए, ये आपके हर जगह काम आएगा, कोई भी कोर्स परचेज करो। और इतने सारे कोर्स खरीदने से आप परेशान हैं तो एक सिंगल कोर्स खरीद लीजिए, सुपर एलिट। ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, इसमें आपको ऑल बैंकिंग इंश्योरेंस के टेस्ट और साथ ही साथ सारे लाइव क्लासेस कोर्स सब कुछ मिलेगा। अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो तो ये मात्र और मात्र 2600 का आपको मिल जाएगा। तो आप अच्छे से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देते हैं, ये रहा। चलिए गाइस जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए और जितने भी नए लोग आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जितने भी नए लोग आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? जल्दी से लगाइए भाई। पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दे रहा हूं, फिर भाई हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट लगाना है और बहुत ही असिस्टेंट लेवल के ही क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, चलो मृणाली हमें यहां मिल गई, बाकी लोग कहाँ हैं? एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, नया चैनल है आप लोगों के लिए। चलिए तो देखिए बेटा, 20, 21, 43, 140, 51। अब अगर आप ध्यान से सीरीज को देखें तो आपको क्या लग रहा है, डिफरेंस ले? नहीं, क्योंकि आप देखिए यहां पे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 4 और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। तो ये दिमाग लग रहा है कि भाई ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। अब मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया गया है। यहां पर 2 करें तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो यहां पर 42 में भी 1 ऐड किया गया है। 43 का मल्टीप्लाई करें तो 129 होता है, 1 ऐड करोगे तो 130 होता है। अब ये एक हमें क्या बोलते हैं, शक के दायरे में आया कि सर ये 130 होना चाहिए। अच्छा, 130 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 520 प्लस 1 कर दो, 521। वाव, ये मिल गया। इसका मतलब 140 गलत है, 140 की जगह पे 130 आना चाहिए। अगर 140 की जगह पे 130 हो गया तो काम सही है। यहां पे 140 रॉन्ग है। गाइस देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए खुद को। अश्विनी बेटा 2605 नहीं 2606 ही आएगा, क्योंकि आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमान गाइस जल्दी से भाई, कहां है सब बच्चे? चैनल ही तो बदला है, हम तो वही हैं, टॉपिक भी वही है। जल्दी से एक बार भाई दोस्तों को बता दो कि सर आज मेन चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे हैं। ऑलिवबोर्ड के ही दूसरे चैनल पे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। अब ये सीरीज क्या दिख रही है? ये भी बहुत तेज बढ़ रही है। जब सीरीज बहुत तेज बढ़ती है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या एक बार कम हो रहा है तो भाई ये 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अब हमें देखना है आखिर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है। तो 14 का 15 का मल्टीप्लाई 1 से करके 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाता है 14। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस कर दो ये। 3 से मल्टीप्लाई करके 3, 18 3 15 आना चाहिए, ये गलत है। 76 की गलत है, 76 की जगह पे 75 होना चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताते चले जाए कौन सा गलत है और उसकी जगह पे सही क्या आएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 सेकेंड स्टार्ट। बताइए बेटा 10 सेकेंड बचे। कुछ आया? अब जैसे यहां पे देखो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिख रहा भाई, देखो ये 4 गुना ये 4 गुना दिख रहा है, ये 3 गुना दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो हम लोग डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस ले तो क्या आया 8, इसका डिफरेंस ले लें तो 5 6 65। अगर आप इसका डिफरेंस ले लें तो 7 से जाएगा 5, यहां बचे 8 इससे जाएगा 1 250। अगर मैं यहां डिफरेंस लेता हूं तो 2, बोलो यहां लूंगा तो 1, यहां लूंगा तो 5, यहां डिफरेंस लूं तो 0 0 0 1। अच्छा अब ये डिफरेंस लेने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी स्क्वायर क्यूब याद है तो दिमाग में ये आ गया तुरंत कि भाई ये 10 क्यूब हो सकता है सर, ये 8 क्यूब हो सकता है सर, ये नहीं लेकिन ये 2 क्यूब है। तो बेटा ये क्यों ना 4 क्यूब होना चाहिए और ये 6 क्यूब होना चाहिए, दोनों आसपास हैं। तो ये जब 2 नंबर गलत होते हैं तो इसका मतलब बीच वाला गलत होता है। तो 77 रॉन्ग है। 77 की जगह पे अगर मैं 76 कर दूं तो ये 64 हो जाएगा और ये 216 हो जाएगा, तो हमारा एकदम सही ऑर्डर आ जाएगा। 77 की जगह पे 76 होना चाहिए। गॉट इट? सबको क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बताइए भाई सभी लोग। नहीं आ रहा? अब देखो अगर ध्यान से देखो भाई टेबल आ देनी चाहिए। देखो ये इससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है 2 से। अब ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब ये अगर हम देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे 10 टाइम हो रहा है और ये किससे हो रहा है 8 टाइम हो रहा है। तो पक्का ये बेटा 4 टाइम्स और 6 टाइम होना चाहिए था। अगर हम 4 करते हैं 25 की जगह पे अगर मैं 24 कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा 4 टाइम और ये 6 टाइम, यानी कि 25 रॉन्ग है यहाँ पे। गुड, 25 रॉन्ग होगा, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 64, 160, क्या लग रहा है? अब देखो बेटा क्या है, अगर हम यहां से नहीं पकड़ पा रहे, हम यहां से पकड़े तो ये इसका 2.5 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है। बोलो ये 2 2.5 गुना हो रहे हैं, यानी कि 2.5 टाइम्स है। अब क्या ये इसका 2.5 टाइम्स है? हाँ, ये भी 2.5 टाइम्स है, और ये क्या 2.5 टाइम्स है, तो 128 और 32, हाँ है, इसका 2.5 टाइम्स कर दो, तो यही गलत है। 3600 नहीं होना चाहिए, ये होगा 3600 जो है ये रॉन्ग है, इसकी जगह पे 6250 होना चाहिए। 3600 की जगह पे 6250 होना चाहिए। अब ये देखो बेटा मैंने कहां से पकड़ा, ये सब चीजें, इतनी कैलकुलेशन मेरे को भी नहीं आती है, लेकिन मैंने देखा 4 से 10 हो रहा है और ये 10 से ये हो रहा है, इन दोनों को हमने देखा तो 2.5 गुना हो रहा था। तो फिर मैंने इसको करके देखा, क्या ये 2.5 गुना हो रहा है? हाँ, इसको करके देखा हो रहा है, इसका मतलब सारे नंबर 2.5 गुना हो रहा है, तो ये नंबर भी 2.5 गुना होना चाहिए, ऐसे समझिए। गॉट इट गाइस? एक बार जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए भाई, जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पर एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए, तब मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज, ऐसे मजा नहीं आएगा। 40 लोग देख रहे हो, 20 लाइक हैं, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए बताइए इसका आंसर। अच्छा रोहित क्या कह रहे हैं, सर इसमें स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है क्या? बेटा इसमें तो सारे स्क्वायर हैं, कोई लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि सारे नंबर लॉजिक में। रोहित बाजपेयी सारे के सारे नंबर वो है, स्क्वायर है, तो आप नहीं कर सकते। सारे नंबर देखा जाए स्क्वायर है तो आप नहीं कर सकते। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, जब कभी भी एक बात आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब यहां पे बहुत बड़ा अंतर है फिर अंतर नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि स्क्वायर और क्यूब का कुछ हो रहा होगा, स्क्वायर या क्यूब का ही कुछ हो रहा होगा। जैसे इसमें अगर मैं कहूं तो 729 क्या होता है, 9 का क्यूब या 27 का स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना है 49, अब ये 49 है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना है 521। तो देखो बेटा तुरंत पकड़ में आ गया स्क्वायर क्यूब का है, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें 13 में 4 गया, यहां कितना आया 9, बोलो। अच्छा अब ये देखिए, ये 9 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, अब तो 1 का क्यूब होना चाहिए, 1 का क्यूब मतलब 1, तो ये हटाओ ना, 914 होना चाहिए। बताइए समझ में आ गई बात? ये सब ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जब आपके पास एक नंबर डायरेक्ट बहुत बढ़ता है, उसके बाद कम है, तो ये मान लो स्क्वायर या क्यूब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ये दिमाग में डाल लीजिए बात, ठीक है? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अब देखो बेटा जब कभी भी, अब इसको बड़े ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मेरे को देखते ही हो गया, ये क्वेश्चन देखते ही हो गया। कैसे? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो ना। देखो जब भी कोई नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तुरंत कर लो। अब इसको अगर हम देखें तो 32 और 16 यानी ये इसका 1.5 गुना है। अब देखो आधा 1.5 गुना, तो अब 2.5 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2.5 गुना यानी कि 48 का 2.5 गुना कितना होता है? 96 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 120। तो ये गलत है। अच्छा 120 का अगर मैं 3.5 गुना कर दूं तो 3 गुना कर दोगे 360, आधा कर दोगे 60, 420। ओके, ये 110 गलत है, इसकी जगह पे 120 आना चाहिए। इजी वन। 110 इज रॉन्ग, उसकी जगह पे हमें क्या देना चाहिए? 120। गॉट इट गाइस? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? चलो सभी लोग सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, ध्यान से करिएगा। बताइए इसका आंसर। दोस्तों अभी मैंने एक ऑर्डर बताया था, अभी मैंने बताया था एक तरीका, जब भी पहला नंबर बहुत तेज बढ़ता है उसके बाद नहीं बढ़ता है तो आपको तुरंत दिमाग में चलना चाहिए क्या स्क्वायर या क्यूब चल रहा है। मैंने बताया था ना, वही करो। अच्छा इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 216। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 216। इसका देखें तो 343, 343। अरे यार देखो 6 क्यूब 7 क्यूब बस मिल रहा है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 215, तो कितना आ गया? 8 क्यूब। अब इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 7। अच्छा 6, 7, अब 9 क्यूब आना चाहिए। अब 9 क्यूब में 7 तो आता नहीं है, तो पक्का 1800 गलत है। पक्का 1800 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई ये 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब, अब 9 का क्यूब आएगा। 9 का क्यूब तो होता है 729, यहाँ तो 7 आ रहा है। इसका मतलब ये 1800 गलत है। काम खत्म, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। क्या आया भाई? चलो देखो, अब इसको देखिए ध्यान से। अब यहां पे नंबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं। अच्छा नंबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जरा देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन खुद पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पकड़ने के लिए आपने क्या देखा कि भाई इसको हम 3 गुना कर सकते हैं। 15 3 45, 3 गुना होता है, ये भी 3 गुना होता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पकड़ना है आपको, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पकड़ते हैं। इसमें क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस किया, इसमें भी 3 माइनस किया 6। 3 माइनस करेंगे तो 120 थोड़े ना रह जाएगा, 123 हो जाएगा। बोलो 120 की जगह पे 123 कर दो तो काम खत्म। क्या कहते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाए तो 6 मंथ का कोर्स है और 12 मंथ का कोर्स है। सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी 6 मंथ या 12 मंथ्स के लिए, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो। अब दाम ये है, लेकिन अगर आपने कोड यूज किया विवेक, एक कोड याद रखिए विवेक, तो आपको ये मिलेगा 1873 में ओनली। अब जैसे ये ESIC UDC की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने विवेक कोड यूज करेंगे तो ये 1374 का मिलेगा। SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो 2191 में मिलेगा। आप सोचो सिर्फ कोड आपको याद रखना है विवेक, एक मात्र कोड, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे कोर्स लेने से परेशान है, मैं फिर बता दूं एक बात, बहुत सारे कोर्स लेने से परेशान है कि कौन सा कोर्स ले सर, आप एक साल का ले लो या 6 महीने का ले लो, ये सुपर एलिट, इसमें आपको टेस्ट प्लस कोर्स सब कुछ आपको मिलेगा। और मात्र अगर आप 6 मंथ वाला लेते हो तो आपको ये 2624 में मिलेगा, सिर्फ 2600 रुपीज में। लेने के लिए करना क्या है, कोड यूज करना है विवेक, ये यूज कीजिए, खुद भी परचेज कीजिए। इवन आप SSC का भी कुछ भी परचेज करते हो तो आपको बहुत ही बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है कोड विवेक पे। तो कोड विवेक यूज कीजिए और कोई भी, चाहे SSC, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, कोई भी चीज परचेज करेंगे, टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब पे आपको एक बम्पर डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका फायदा उठाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अगला अपना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। अब देखिए बेटा 2075 192 क्या लग रहा है, यहां पे भी आपको दिख रहा है कि नंबर बढ़ रहे हैं भाई। तो आपने देखा कि भाई ये 3 गुने के आसपास है, यानी 3 गुना या 4 गुना, लेकिन ये देखें ये 3 गुने के आसपास है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ये सारे नंबर 3 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स वाला हटा दो। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको देखना है, तो इसमें 3 गुना किया, 15 ऐड किया, इसमें करें 225, इसमें कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 + 3 हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई करें 27, 3, इसका मल्टीप्लाई करें 3, यानी +3 हो रहा है यार, +15 नहीं होगा, यानी ये 75 गलत है। 20 × 3 + 3 होता है 63, यानी कि 75 गलत है, उसकी जगह पे 63 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 63 का भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 192 दिख रहा है। 75 रॉन्ग है यहां पर, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आंसर करें। बेटा ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपके 5 मार्क्स इसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हौसला रखिए, सॉल्व कीजिए इसको। 4, 5, 18, 90 और फिर अगेन नंबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं, नंबर बहुत तेज बढ़ते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करेंगे। देखिए ये इसका 1 के मल्टीप्लिकेशन के पास है, ये इसका 3 के मल्टीप्लिकेशन के आसपास है, बोलो 1 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, ये 5 के मल्टीप्लिकेशन है, ये 9, 7, 63, ये 7 के मल्टीप्लिकेशन के पास होना चाहिए, ये 9 के मल्टीप्लिकेशन के आसपास होना चाहिए। इसमें 1 ऐड किया गया, 5 या 15, 3 ऐड किया गया, तो इसमें 5 ऐड करो तो ये 90 गलत है यार, 90 की जगह पे 95 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका 7 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करो तो 2 मिल रहा है। अरे सही है, इसका मतलब 90 की जगह पे 95 होना चाहिए, 90 की जगह पे 95 होना चाहिए, जो 90 है उसकी जगह पे 95 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बहुत सही, शाबाश गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार जल्दी से, बच्चे कम हो गए इसलिए आप लोग से निवेदन है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा एसएससी चैनल है और एसएससी की चीजें आपको यहां पे भी मिलेंगी, है ना। तो अगर कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी सीएचएसएल या फिर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, दिस इज द प्लेटफॉर्म, ये चैनल है आपके लिए। ठीक है, अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, किसी का आया? अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लास्ट में ज्यादा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, लेकिन यहां पे कम हुआ है। देखो बेटा, यहां से 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, हमें मिल रहा है 8, 6, 12। अब ये फिर डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस बार 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा किससे डिवाइड हो रहा है। 3 से अगर मैं डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं तो 3, 3 दूना 6, 8 और 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, 3 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहां पे भी 3 से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा? 3 से हो रहा होगा। फिर यहां पे क्या हो रहा होगा? डिवाइड 3 से हो रहा होगा, मल्टीप्लाई 4 से हो रहा होगा। यहां पे डिवाइड 3 से हो रहा होगा और मल्टीप्लाई 5 से हो रहा होगा, तभी ये बढ़ रहा है। तो यानी 3 से डिवाइड तो हो ही रहा, मल्टीप्लाई किसी और से हो रहा है। अब गलत क्या है ये चेक कर लिया, इसको चेक करो कि 576 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करो तो 1 टाइम 9 टाइम 2 टाइम। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 और 19 से 57, 57। बोलो ये आना चाहिए, इसका मतलब कि ये गलत है। 624 गलत है, 624 की जगह पे 576 आना चाहिए, 624 की जगह पे 576 आना चाहिए। देखो कोई नहीं पकड़ पाया, इसका आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया, इसका आंसर किसी भी बच्चे ने नहीं दिया। सिक्स 24 गलत है, उसकी जगह पे आएगा आपका 576। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो बेटा देखो, ये यहां पर बहुत तेजी कम हुआ पहले नंबर में, तो हमने देखा 25 से 8 हो गया, यानी 3 से डिवीजन है, तो 3 से डिवाइड करो तो ये मिलता है। फिर हमने यहां पे देखा तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने देखा अगर यहां से 3 डिविजिबल है, अगर मान लो ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल होते, पहला नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमने मान ले सारे नंबर अगर हम 3 से डिविजिबल ले लेते, चूंकि यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब डिवीजन के साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसमें मल्टीप्लाई हुआ 1 का, अगर हम 864 को 3 से डिवाइड करें तो 288 आया। अब 288 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, फिर ये आ गया 576। अब 576 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 192 आता है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 576 फिर से आ जाता है। इसका मतलब ये गलत है। रोहित बेटा क्लियर है? बिल्कुल सही। ये सीरीज का नाम हो गया मल्टीप्लाई बाई एन, डिवाइड बाई एन। ठीक है, चलें आगे। गॉट इट गाइस, जल्दी से आंसर बता दीजिए, समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करें। अब जैसे ये तो बड़ा इजी दिख रहा है यार, देखो 3 गुना हो रहा है +1, 3 गुना +1 यूनिट डिजिट। देखो बेटा, देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। यूनिट देखो 6 × 3 = 18, 1 9 नहीं मिले तब चेक करना। इसको 3 से मल्टीप्लाई 9 × 3 = 27 +1, इसको देखे 8 × 3 = 24 +1, इसको करें 15 और 1 16। यही यूनिट डिजिट नहीं मिल रहा है, काम खत्म। यूनिट डिजिट से सॉल्व करो। हाँ, जब यूनिट डिजिट से आपको कुछ ना मिले तब आप दूसरी जगह जाइए, ठीक है। अदरवाइज यूनिट डिजिट से ही करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए उसके लिए ये ग्रुप पे जा सकते हैं। फॉर पीडीएफ ऑफ माई क्लास, क्या आया बेटा? आया किसी का? अब देखो बेटा, 18 × 5 = 90 होता है, 5 गुना, 9 × 4 = 36, 4 गुना, ये 3 गुना, ये 2 गुना, ये 1 गुना। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया गया, 2 दूनी 4 यानी 2 ऐड किया है, 3 0 2 ऐड किया गया है, यानी हर जगह 2 ऐड किया जा रहा है। 18 × 5 = 90, 2। अब गलत क्या है? अब उसको पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। 18 × 5 = 90, 2 हो गया। 19 × 8 और 36 +2 70 होता है। ये गलत है, 360 गलत है, 360 गलत है। इसकी जगह पे 370 होना चाहिए, 360 की जगह पे 370 होना चाहिए। बेटा आप ये भी देखते जाइए कि सीरीज पकड़ी कैसे जाती है। गुड, चलिए बताइए। आज सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही आ गई हैं। बताइए किसी का आंसर आया? चलिए, अब देखा जाए तो ये भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही है। बोलो हाँ या ना। देखो भाई, × 1 × 2 × 3 × 4 × 5। × 1 किया तो +2 किया, × 2 किया तो +0 किया, × 3 किया तो +3 किया, × 4 किया तो +4 किया, × 5 +5, यानी ये दोनों गलत है। तो यानी कि बीच वाला नंबर गलत होगा, यानी कि ये बीच वाला नंबर गलत है। × 1 + 1 होना चाहिए, × 2 + 2 होना चाहिए। तो 20 की जगह पे हमारा 19 आना चाहिए, है ना। 20 की जगह पे 19 आना चाहिए। चलिए अगला, ये तो यार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, बोलो 5 गुना, 16 25 80, ये गलत है। 160 का 5 गुना 80 के ऊपर होगा, 720 गलत है, एकदम सही। चलिए ये बताइए आंसर। गाइस जल्दी से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो 12 और 12 24, यहाँ कितना है 26, यहाँ कितना है 46, यहाँ कितना है 96, यहाँ कितना है 192। बोलो हाँ या ना। तो भाई यहाँ 12, ये देखो आप जरा देखो 12, ये इसका डबल है ना, ये दोनों डबल नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको काट के 24 कर दूं तो ये अपने आप 48 हो जाएगा और ये 48 का डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये 50 गलत है। 50 की जगह पे अगर मैं 48 कर दूं तो देखो हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी, हर चीज़ नंबर एक दूसरे का डबल हो जाएगा। यानी कि 50 काट के हम यहाँ पे 48 लिख दें, काम खत्म। बताओ बेटा कितने लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है तो कोई बात नहीं। 50 रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट देखिए 15 48। अब बताइए इसका आंसर। अब देखो कई लोग कई तरीके से सोचेंगे स्क्वायर क्यूब। अरे तुम बस ये देखो यार, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, है ना। अब देखो ये 3 3 का डिफरेंस जा रहा है, तो 13 का स्क्वायर, फिर 3 का डिफरेंस 16 का स्क्वायर, फिर 3 का डिफरेंस 19 का स्क्वायर। अब देखो बेटा 4 के स्क्वायर में 1 माइनस, 7 के स्क्वायर में 1 माइनस, 10 के स्क्वायर में 1 माइनस, 13 के स्क्वायर में 1 माइनस। बोलो हाँ या ना। 16 के स्क्वायर में 1 माइनस करोगे तो 255 आएगा ना, और -1 करो तो यही आएगा। यानी कि 245 गलत है, 255 होना चाहिए। बताते चलिए गाइस, क्लियर है, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट कह रहे हैं सभी लोग, बता रहे हैं 76। चलो करते हैं। अब देखो बेटा 23 दूना प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, आप ऐसे ही कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, 16 2 18, 8 होना चाहिए यहाँ पे, गलत है, यूनिट डिजिट से लग जाएगा। आपने इसको यूनिट डिजिट से लगा लिया, यूनिट डिजिट यूज करो लग जाएगा। चलिए अगला, क्या आएगा अब देखो, साफ साफ आधा हुआ है, देखो ये इसका आधा हुआ है तो 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 24 आती है, 1.5 हो गया। अब ये इसका कितने गुना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो 24 का देखो 0.5 है तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करो तो 12, 12 7 84, ये 3.5 है यानी कि 7/2। अब 7/2 के बाद 1/3/2, 4/2 यानी 9/2 आना चाहिए। 2 से डिवाइड करो 42 और 9 से करो 9 दूना 18, ये नहीं बैठ रहा, यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, है ना, यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। अब ये नहीं बैठ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि भाई 1/2, 3/2, 7/2 तो अब 9/2 होगा, है ना। अब 0.5, 1.5, 3.5, अब 3.5 के साथ क्या आना चाहिए, 6.5 भी तो आ सकता है, बोलो 6.5 आ सकता है और इसका 10.5 आ सकता है। तो करके देखो, अगर हम 6.5 ले लें, प्राइम नंबर अगर ले लें, देखो बेटा 1 3 1 3 1 3 5, बीच में देखो अगर ऑड नंबर देखा जाए तो ऑड नंबर जो 1 3 7 13, और यहां पे कितना आ जाएगा 13/2 और ये 21/2। तो आप गैप देख सकते हो 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, ये भी ऑर्डर बन सकता है। तो आपने 2 से किया, कितना आया 42 × 13, तो ये गलत है, ठीक है, नहीं ये सही है यार, 576 सही है, 576 सही है। अब 546 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 273 इंटू अगर हम कर दें 21 से, तो 21 से करें 3 3 7 5, ये गलत है बेटा। सभी लोग चेक कर लो, बता लो, अपना अपना चेक कर लो। 546 सही है, जितने लोग भी कह रहे हैं 546 गलत है तो नहीं, मैं फिर से थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूं। देखो बेटा मैंने क्या किया, इसका देखा तो ये 1/2 है, अगर इसका देखा तो ये 3/2 है, और इसका देखा तो 7/2 है। तो आप देखो अगर 1 1 2 3, है ना, 2 का गैप, 4 का गैप, अब 6 का गैप होगा तो 13/2, अब 8 का गैप होगा तो 21/2। तो जब हम इसका 21/2 करते हैं तो 5733 आता है, तो ये 872 गलत है, 872 गलत है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहला मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 का, दूसरा मल्टीप्लाई हुआ है 1.5 का, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 3.5 का, फिर हुआ है 6.5 का, फिर हुआ है आपका 10.5 का। अगर आप इसमें देखें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, आप ऐसे भी समझ सकते हो। बताइए, ये थोड़ा सा टफ था, गॉट इट रोहित बाजपेयी। बेटा अभी क्लियर? सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है वो देखिए। बेटा कंप्लीट लाइव क्लासेस का कोर्स 6 मंथ 12 मंथ आपको पड़ेगा 18 का। यूडीसीआई करना चाहते हो तो ये बनेगा कितना 1374 ओनली। क्लर्क का करना चाहते हो 2199 ओनली। और ये कोर्स पे पाने के लिए आपको कोड यूज करना है विवेक, ठीक है? याद रखिएगा VIVEK विवेक, है ना? विवेक मतलब मोर डिस्काउंट, है ना? VIVEK, है ना? मतलब डिस्काउंट, ठीक है? और सुपर एलिट ले लेंगे तो ये एक 6 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो जो कि 2600 का, उसमें ऑल कोर्सेज 6 महीने के लिए जितने भी कोर्सेज आएंगे प्लस टेस्ट वो सब आपके हो जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है गाइस? तो अब बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क प्रैक्टिस के लिए है ना, होमवर्क प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, होमवर्क दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। और हाँ, हो सके तो इसके आंसर जरूर लिखिएगा, जितने भी हो जाए उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये सब होमवर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है? पीडीएफ के लिए बेटा ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ उससे आपको पीडीएफ मिलती रहे, है ना? पीडीएफ पाने के लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? और हाँ, जितने लोग अभी आरबीआई असिस्टेंट का बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है तो आज ही स्टार्ट कर लें अपनी पढ़ाई। और आपको सिर्फ कितने में स्टार्ट करना है? 1349 में, 1649 में, 1649 में आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको प्री मेंस प्लस टेस्ट भी प्री मेंस के, मिल रहा है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। हाँ बेटा, बैंकिंग वालों के लिए ही लेना है, ऑल बैंकिंग वाले, एसएससी वाले सब लोग ले सकते हैं, ठीक है? तो आज ही इनरोल कर लीजिएगा, कोड यूज कीजिए विवेक टू गेट मैक्सिमम 40 से 60% डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम 40 मैक्सिमम 60 के बीच में मिलेगा, 40 से कम नहीं मिलेगा, 60 से ज्यादा नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।